नमस्कार दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया उसी के तहत मैं अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए वीडियो लेके आ रहा हूँ ये अल्फ़ाबेट का अंतिम वीडियो है इसमें मैं आपसे दस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ये दस क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इनका ध्यान से देखना है और इन पर आधारित प्रश्न करने का प्रयास करना है मेरा आपसे निवेदन है मैं जिस प्रकार आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ उस प्रकार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद अब वीडियो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अल्फ़ावेट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्फ़ावेट ए टू जेड के क्रम को उल्टा करने के बाद बाएं से चौथा यू कौन सा होगा मैंने कल आपको एक मैजिक बताया था सत्ताईस का जब भी क्रम उल्टा कर दिया जाए तो आप सत्ताईस में से सीधा घटा दो सत्ताईस माइनस चार बराबर कौन सा तेईस तेईस नंबर पर आपका एलिमेंट कौन सा हो जाएगा डब्लू सीधा तरीका फिर भी आप कहेंगे सर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं कैंसिल कर दो दूसरा मेथड आपने याद किया था कि डी डी कौन से नंबर पे है चार फिर इसके अपोजिट कौन सा होगा तो आपने याद किया था दूध वाला दूध वाले से क्या जाएगा डब्लू ये भी आप कह दो कि सर ये भी समझ में नहीं आया हटाओ इसको भी फिर अंतिम प्रयास देखो जेड वाई एक्स डब्लू आप अल्फाबेट आपको याद हो जाएंगे तो आप फटाफट कर्म से लिख दोगे तो ये कितने नंबर है छब्बीस ये पच्चीस चौबीस और तेईस उल्टा लिख दिया आपने उल्टे क्रम से अपन कर्म देंगे तो एक दो तीन और चार नंबर पे आपका डब्लू इस प्रकार मैंने आपको कई मेथड से बता दिया आप करने का प्रयत्न करना फिर भी समझ नहीं आए तो मैं आपको और भी मेथड से बता सकता हूँ अगला देखो अल्फाबेट के क्रम में दाएं से अब दाएं से समझने का मतलब पहले बाएं से समझो बाएं से इसका मतलब ए से जेड की तरफ जब भी बाएं लिखा हुआ हो उसका मीनिंग आपके लिए होगा कि आपको ए से जेड की तरफ जाना है जब दाएं लिखा हुआ हो तो दाएं का मतलब है आपको जेड से किसकी तरफ जाना है ए की तरफ उल्टा चलना है कैसा चलना है उल्टा अब आप उल्टा चलना है और उल्टे चल के कौन से एलिमेंट पे पहुंच रहे हो सातवें सात का मैजिक सात का मैजिक आएगा सत्ताईस का तो किसका होगा बीस बीस नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका एलिमेंट टी जब भी आप दाएं से सातवां नंबर देखोगे तो आपका एलिमेंट कौन सा आ जाएगा टी फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि आपको कौन सा देखना है बाएं बाएं मतलब आगे बढ़ना है यह आपका पंद्रह नंबर पे है पांच कदम आप आगे बढ़ाओगे बाई तरफ तो कौन से नंबर पे पहुंच जाओगे सॉरी ये बीस नंबर पे है पांच कदम आप आगे बढ़ाओगे तो कौन से नंबर पे पहुंच जाओगे पच्चीस पच्चीस पे आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा वाई तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा वाई आप सीधा सा इसको इजी गोइंग आप कर सकते हो क्योंकि आपको दाएं से मतलब तो पहले पीछे से सातवें नंबर पे आना है फिर उससे आपको किस नंबर पे जाना है पांचवें नंबर की तरफ फिर आगे बढ़ना है आप दिमाग में सेट कर लो बाएं से मतलब ए से जेड की तरफ जब भी अल्फ़ावेट में बाएं से लिखा हुआ आए तो आपको आगे बढ़ना है ए से जेड की तरफ़ जाना है जब भी दाएँ लिखा आए तो आपको जेड से एक की तरफ़ आना है पर्सन नंबर तीन आप देखोगे बिल्कुल इजी पर्सन है पी एस का रिलेशन बी वाई के साथ जिस प्रकार है वही रिलेशन आपको एफ आई का देखना है किसके साथ होगा अब आपको कर्म याद है तो आप तुरंत लिख दोगे पी का मतलब सोलह एस का मतलब उन्नीस वी का मतलब बाईस और वाई का मतलब पच्चीस पी से वी की पर गए तो कितने बढ़ गए प्लस का छः एस से वाई पे गए तो कितना बढ़ा प्लस छ इसी प्रकार एफ प्लस छः और आई में भी प्लस छ एफ का मतलब छ होता है छः में छः जोड़ोगे बारह पे क्या आ जाएगा एल आई का मतलब नौ नौ में कितना जोड़ा आपने छ मतलब पंद्रह नंबर पे क्या आ जाएगा एल ओ लव ट्राइंगल जो अभी काफ़ी मीडिया में छाया हुआ है ऑप्शन थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहे मैं ऑप्शन दोबारा लिख देता हूँ वी एल और यह आपका हो जाएगा एल और आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल ओ लव ट एंगल काफ़ी दिख रहा है रिया और सुशांत वाला तो आपको याद रखना है एल ओ लव एल ओ लव ये दोनों अपोजिट वर्ड भी है इसी प्रकार चौथा पर्सन बी यू टी बट बट का रिलेशन किसके साथ टी यू बी का ये रिलेशन इसी प्रकार आपका रिलेशन किसके साथ देखना है एनी टी के साथ अब देखो पर्सन को आप देखते ही कहीं अल्फाबेट के क्रम लिखना शुरू मत कर देना आप ध्यान से देखोगे तो बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है टी भी है और टी यहां भी है तो इसका मतलब क्रम को बदला गया है जो पहला था उसको लास्ट कर दिया जो बीच में था उसको बीच में रखा और लास्ट वाले को पहला कर दिया इसी प्रकार अपन एन ई टी का बनाएंगे तो टी ई एन बनेगा टी ई एन टेन देखो कौन से ऑप्शन में है टी ई टेन आपके कौन से ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में ही है तो आपको ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर चार देखो आप ध्यान से चार देखोगे तो आर आई जी टी का रिलेशन किसके साथ W डी बी वाई के साथ इसी प्रकार का रिलेशन आपको किसके साथ देखना है एफ यू एस एच अल्फाबेट का किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है अब आप देखो कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो जब वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कर्म का महत्व है तो कर्म लिख लेते हैं ये कौन से नंबर पे अट्ठारह पे ये कौन से नंबर पे नौ पे ये सात पे ये टी कौन से पे बीस पे डब्लू कौन से पे आ रहा है डब्लू आपका तेईस डी बोलो डी आपका चार नंबर और बी आपका दो नंबर और वाई आपका पच्चीस नंबर आप यहाँ से देखोगे अट्ठारह से तेईस पहुँचेंगे तो कितना प्लस का पाँच नौ से चार पहुंचने का मतलब माइनस का पाँच सात से दो पहुंचने का मतलब माइनस के पाँच बीस से पच्चीस पहुंचने का मतलब प्लस के पाँच इसका मतलब क्रम में काफ़ी प्लस माइनस दोनों दे रखा है पहला पाँच प्लस करना है दूसरे में पाँच माइनस करना है तीसरे में पाँच माइनस करना है और चौथे में पाँच प्लस करना है इस प्रकार के प्रश्न को करने का देखो सीधा तरीका आपने ऐप को देख लिया कितने नंबर पे है छः में प्लस पाँच करोगे ग्यारह नंबर ग्यारह पे कौन सा आना चाहिए के देखो किसी ऑप्शन में क्या आ रहा है क्या किसी भी ऑप्शन में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है फिर आप माइनस पाँच कर लो माइनस पाँच करोगे तो ए ए ऑप्शन में आ रहा है क्या किसी ऑप्शन में ए भी नहीं आ रहा इसका मतलब यह पांच का लिंक नहीं है क्योंकि जरूरी ये आपको ध्यान रखना है यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस का दिया है जो भी डिजिट होगा वो सेम होगा जरूरी नहीं है पाँच हो चार भी हो सकता है छः भी हो सकता है सात भी हो सकता है तो अब आपने पाँच लेके देख लिया अब आप क्या लोगे आप चार लेके देखो चार लेते देखा तो चार प्लस करेंगे दस दस पे कौन सा आएगा जे दस पे कौन सा आएगा जे क्या पहला डिजिट जे है क्या नहीं कैंसिल कर दो चार माइनस करो कौन सा आएगा बी देखो पहला डिजिट किसी में बी आ रहा है क्या आंख बंद करके आप बी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना ही लॉजिक डालेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में तो यहाँ आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वी वाई डब्लू डी आप रख के चेक करके देखते हैं क्या आपने जो किया वो सही है क्या देखो बी वाई डब्लू डी ऐप का छ नंबर यू का इक्कीस नंबर एस का उन्नीस नंबर एच का आठ नंबर वी का V दो वाई पच्चीस W तेईस डी आपका चार नंबर यहाँ से आपने कितना माइनस किया चार यहाँ आपने कितना प्लस किया चार यहाँ आपने कितना प्लस किया चार और यहाँ आपने कितना माइनस किया चार डिजिट आपका चार 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 ये सेम आना चाहिए सेम आ रहा है इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या है एकदम राइट ऑप्शन है इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं ये पर्सन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है अब जो अगला पर्सन अपन ले रहे हैं वो शब्द कोश का है इस शब्द का मतलब आपको अल्फाबेट का क्रम अच्छे से याद होना चाहिए जैसे एल बोले तो बारह नंबर पे ओ बोले तो पंद्रह नंबर पे वाई बोले तो पच्चीस नंबर पे तो आप देखो सब वर्ड में सी ओ एम पी एल कॉमन आ रहा है इसमें भी सी ओ एम पी एल आई भी शायद सब में कॉमन है तो यहाँ तक देखने की जरूरत भी नहीं है सी सब में आ रहा है ओ सब में आ रहा है एम आ रहा है पी आ रहा है एल आ रहा है आई आ रहा है तो आगे के वर्ड देखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है सी ए टी फर्स्ट में दूसरे में देखें तो सी आई टी वाई इसमें देखें तो सी ए टी आई ओ एन और इसमें देखें तो सी ओ एम पी एल आई ए एन टी शब्द कोश का मतलब जो कर्म के अनुसार पहले आएगा वो शब्द कोश में भी पहले आएगा जो कर्म के अनुसार बाद में आएगा वो शब्द कोश में भी बाद में आएगा ये सब क्या आगे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है अब देखो इसमें सी इसमें सी इसमें सी तो पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है ए तो चार नंबर वाला जो आपका है, वो सबसे पहले आएगा तो चार किस में इसमें 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 ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया अब देखो सी कॉमन है सी के बाद क्या आ रहा है ए इसमें भी ए है इसका मतलब आई वाला जो दो नंबर का ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा तो देखो दो लास्ट में किसके आ रहा है इसमें भी नहीं आ रहा ये कैंसिल ये कैंसिल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पूरा देखने की जरूरत नहीं है पहले आपने देखा कि पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है चार तो पहले नंबर पे चार वाला लास्ट में देख लिया कि भाई ए, ए इसमें भी आ रहा है दोनों में इसका मतलब ये दो और तीन नंबर में से आएंगे तो आई वाला लास्ट में आएगा तो आई वाला कौन सा नंबर का है दो का इसलिए लास्ट में आ जाएगा अब अपन चेक करते हैं चार नंबर में पहला अब देखो पहला ए ये कॉमन है इसमें टी आ रहा है इसमें भी टी आ रहा है लेकिन टी के बाद इसमें आई आ रहा है और इसमें ई आ रहा है तो पहले ये आएगा और तीन इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा चार एक तीन दो आप आराम से कर सकते हो अगला शब्द को उसका एक प्रश्न ये प्रश्न परीक्षा में लगभग लगभग छह या सात बार पूछा जा चुका है ये हर परीक्षा में रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने यहां भी लेना उचित समझा आप देखो एम ए एन समय आ रहा है उसके बाद के वर्ड बदल रहे हैं तो आप एम ए एन के प्लस करके ए जी ई ए जी ई एम ई एन टी समझने के लिए आप वहां डायरेक्ट कर सकते हो इतना लिखने की जरूरत नहीं है मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूं आप मत लिखने लग जाना यू एफ ए सी टी यू आर ई फिर एम ए एम ए इसमें तो एम ए कॉमन है तो एन अपने को यहाँ लेना पड़ेगा एन एन और ये आ जाएगा आपका आई टी ए आई एन और इसी प्रकार एम ए कॉमन है एन और मैनर आ गया एम डबल एन ई आर अब देखो ये कह रहा है कि क्रम से बताना है तो जाहिर सी बात है यहाँ सब में एन आ रहा है इसमें आई आ रहा है तो सबसे पहले कौन से नंबर वाला आएगा तीन नंबर वाला तीन नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है इसमें नहीं आ रहा इसमें नहीं आ रहा दो ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो चुके अब आप देखो इसमें भी एन इसमें भी एन इसमें भी एन एन के बाद ए आ रहा है इसका मतलब तीन के बाद कौन सा आएगा पहला नंबर तीन के बाद पहला नंबर किस में आ रहा है तीन के बाद पहला नंबर इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है ख़त्म सीधा उत्तर दो चेक करते ही आपने उत्तर बता दिया आप पूरा चेक कर सकते हो अब पहला तीसरा आ गया पहला आ गया अब आपको देखना है दूसरे और इसमें से एन के बाद यू आ रहा है एन के बाद एन आ रहा है तो कौन सा नंबर आएगा चौथा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा दूसरा यही ऑप्शन अपने सेलेक्ट किया था इस प्रकार आप शब्द कोर्स के प्रश्नों को हल कर सकते हो शब्द कोर्स के प्रश्नों को हल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है जो कॉमन वर्ड आ रहे हैं उनको नहीं देखना है समय का शुद्ध उपयोग करना है अगला प्रश्न देखो नौवा प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने बता रहा था बता रखा है इस वीडियो का सबसे अच्छा पर्सन जनवरी देखो जे एन यू ए आर वाई जनवरी का मतलब कितना दे रखा है सात इसका मतलब सात वर्ड आ रहे हैं इसमें सात एलिमेंट आ रहे हैं इसलिए अपन जनवरी का मतलब सात समझ सकते हैं फिर इसने दे दिया मई का मतलब एम ए वाई मई का मतलब तीन एम ए आर सी एच मार्च का मतलब भी पाँच और जून जे यू एन ई जून नॉट इक्वल टू जुलाई देके इसने अपने उम्मीदों पर पानी फेर दिया क्योंकि अपन एलिमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे थे सात एलिमेंट के अकॉर्डिंग तीन एलिमेंट के अकॉर्डिंग पांच यदि वैसा ही होता तो यहाँ भी चार थे और यहां भी चार थे दोनों बराबर होने चाहिए लेकिन पर्सन ने कह दिया कि चार बराबर नहीं चार ऐसा पॉसिबल है नहीं है इसलिए अपन जो सोच रहे हैं वो गलत है तो दूसरा लॉजिक लगाओ जनवरी में कितने वर्ड आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आ रहे हैं और सात हो रहे और कैसे सात बनाया जा सकता मान लो आपने मान लिया कि भाई आठ महीना कौन सा पहला आठ में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा सात लेकिन ये लॉजिक सब पे बैठना चाहिए तब तो सही है अन्यथा गलत है. तो चेक करते हैं अगले पे टोटल आठ में से महीना कौन सा पाँच घटाओगे कितना आ जाएगा तीन बिल्कुल सही आठ महीना कौन सा तीन घटाओगे तो कितना आ जाएगा पाँच इसी प्रकार जून महीना कौन सा छठा घटाओगे किस में से आठ में से कितने आ जाएंगे दो प्लस पर्सन के अकॉर्डिंग जून प्लस जुलाई की वैल्यू याद करनी है महीना कौन सा आठ घटाओगे सॉरी महीना कौन सा सातवां घटाएंगे किससे आठ में से कितना आ जाएगा एक दोनों बराबर भी नहीं है क्योंकि दो एक के बराबर नहीं होता तो दोनों का योग कितना आ गया तीन तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा तीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये एसएससी के अलावा अभी किसी में नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है अच्छा पर्सन है लॉजिकल पर्सन है अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रश्न को करने से पहले आपको गिनना है कि कितने ऑर्डर दे रखे हैं मतलब कितने एलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह का क्रम पूछा जा सकता है बारह का पूछा जा सकता है पंद्रह का पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से सोलह बारह पंद्रह पूछा जा सकता है जब सोलह का पूछा जाए तो आपके जो जोड़े बनेंगे वो किसके बनेंगे चार चार के बारह का पूछा जाए तो जोड़े या तो तीन तीन के बनेंगे या किसके बनेंगे चार चार के पंद्रह का पूछा जाए तो ये तो जोड़े बनेंगे तीन तीन के या पाँच पाँच के लेकिन आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए पॉसिबिलिटी सोलह की है इसीलिए मैंने सोलह का पर्सन लिया है अब आपको जोड़े किसके बनाने हैं चार चार के देखो जोड़े बनाते हैं क्यू एस टी ये चार हो गए फिर आपने लाइन खींच दी Q एस खाली छोड़ दिया R फिर वही Q खाली छोड़ दिया T R फिर खाली छोड़ दिया S T R इजीली देख सकते हो कि भाई चार नंबर पे क्या आएगा तो इसके अकॉर्डिंग चार नंबर पे क्या आएगा R इसके अकॉर्डिंग तीन नंबर पे क्या आएगा T दो नंबर पे देखें तो क्या आएगा S दो नंबर की खाली है एक नंबर पे देखें तो क्या आएगा Q तो आपका क्या बन गया आर टी एस क्यू तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस प्रकार मैंने आपको दस क्वेश्चन बताने का प्रयत्न किया नम वो काउंटिंग ऑफ फिगर लेके आऊँगा तो वो वीडियो जरूर देखें धन्यवाद हेलो दोस्तों गर्मी को देखते हुए मैं आठ ऑफ क्वेश्चन भी बताना भूल गया तो आठ ऑफ पर्सन आप देखो आठ ऑफ पर्सन अपना रह गया था देखो शब्द कोश से जुड़ा हुआ पर्सन है ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा तो आप देखो पहला कह रहा है आर डबल ई एफ रिफ दूसरा रेडी तीसरा आपका वर्ड दे दिया इन्होंने रेनबो रेनबो और चौथा वर्ड आपको दे दिया इन्होंने रेन चार वर्ड दे रखे हैं पूछा गया जा रहा है चौथे स्थान पर चौथे स्थान का मतलब अंतिम कौन सा होगा आर कॉमन है देखने की जरूरत नहीं है अब इनमें ई कॉमन है दोनों में ये इसका मतलब तो पहले दूसरे पे इन दोनों में से आएगा तो पहला दूसरा छोड़ दो क्योंकि अपने को चौथा नंबर देखना है इस प्रकार देखो चौथे नंबर पे यहाँ ए आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है ये तो अंतिम वर्ड कौन सा हो जाएगा ये जो अंतिम होगा वही चौथे नंबर पे आएगा धन्यवाद साथियों